सीपीएल का मैच नंबर 29 जो कि मैच खेला जाएगा गुयाना अमेजन वॉरियर्स वर्सेस सेंट लुसिया किंग। देख सकते हो दोनों टीम अभी पॉइंट टेबल पे पहले और दूसरे पोजीशन पे। सेंट लुसिया किंग 7 मैच जीत के पॉइंट टेबल पे पहले पोजीशन पे, बैक टू बैक 5 मैच जीत के आ रही है। बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे अभी लाई कर रही है, बहुत स्ट्रांग टीम बनी हुई है। और गुयाना अमेजन वॉरियर बैक टू बैक 3 मैच जीत के आ रही है, पॉइंट टेबल पे दूसरे पोजीशन की टीम है। तो कौन सी टीम जीत सकती है? अगर सर गुयाना अमेजन के वॉरियर की बात करेंगे, 6 मैच जीती है और पॉइंट टेबल पे दूसरे पोजीशन पे है, बॉलिंग अच्छी कर रही है, बैटिंग अच्छी कर रही है, दोनों टीम का वही हाल है, बॉलिंग बैटिंग दोनों अच्छी कर रही है, परफॉर्म कर रही है, टॉप की टीमें बनी हुई है। तो क्या यहाँ पे गुयाना अपने होम पिच पे हार सकती है? क्योंकि होम पिच पे गुयाना का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है सेंट लुसिया के अगेंस्ट। तो क्या यहाँ पे सेंट लुसिया अभी बैक टू बैक अच्छा परफॉर्म करके आ रही है तो गुयाना को हरा सकती है, या गुयाना अपने होम पिच पे फिर से डोमिनेट करते हुए नजर आएगी, जीतेगी? सेशन कैसे होगा, पिच रिपोर्ट कैसा होगा, मैच कैसे होगा? अगर डेली वीडियो देखते हो, लास्ट वीडियो भी अपडेट देख लो, क्या बोला था आपको ट्रिबागो लो ऑड्स लगेगी, लो ऑड्स से फिर आप वहां पे प्लस अमाउंट से एंट्री कीजिएगा अपोजिट टीम को जो कि बारबाडोस पे, आप प्रॉफिट में रहोगे। सेम एग्जैक्ट स्क्रिप्टेड मैच दिया था, वैसा ही मैच दिया था, जिसने वीडियो देखा था कमाया था। तो चलिए एक और धमाकेदार मैच होने वाला है गुयाना वर्सेस सेंट लुसिया, कौन सी टीम जीतने वाली है? 28 सितंबर सैटरडे को 7:30 PM पे इंडस्ट्रियल टाइम पे मैच खेला जाएगा, गुयाना में ही मैच खेला जाएगा। देखो गुयाना में मैच खेला जाएगा, पिच चेंज है, 4 मैच कंटिन्यू देखे गए, लो स्कोरिंग मैच देखे गए जिसमें से 3 135 137 और 162 डिफेंड होके आए। दूसरी तरफ देख सकते हो अब लास्ट मैच हुआ, पिच चेंज हुआ, गुयाना ने 219 रन बनाया, वहां पे अलग ही पिच बिहेव किया। तो क्या यहाँ पे स्लो विकेट है कि यहाँ पे बैटिंग फैसिलिटी पे अच्छा है, सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए, समझिए मैच को जीतने वाला है गुयाना वर्सेस सेंट लुसिया का। इस मैच को भी समझने के बाद, इस वीडियो को समझने के बाद आप इस मैच में भी कमा के उठोगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है 9319409525, नंबर सेव कर लीजिए। मैच और सेशन का अपडेट चाहिए, बैक टू बैक प्रॉफिटेबल काम दिया जा रहा है, मार्केट को कंपेरिजन कर लेना, मार्केट को चैलेंज है, कोई इतना अच्छा काम नहीं देगा। तो जाइए व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, मस्ट ज्वाइन कीजिए। काम चेक करना हो, काम देखना हो तो जरूर ज्वाइन कीजिए। बाकी आपको समझदार है, फेक और फर्जी से बच के रहिएगा, नंबर ही मेरी पहचान है, किसी मेरे नाम से टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो तो नंबर वेरीफाई कर लेना। मैं विक्रम अजरिया बोल रहा हूँ, विक्रम अजरिया प्रेडिक्शन के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। अब यहाँ की बात करें गुयाना में 49 मैच खेले जा चुके हैं, 22 फर्स्ट बैट और 26 सेकेंड बैट जीती है, 1 टाई रहा है, 149 का एवरेज स्कोर है, 226 जमी का तलवन हाइएस्ट और 879 पे 10 जमी का तलवन ने लोएस्ट बनाया, यही एंटीगुआ बारबुडा टीम थी जमी का तलवा। स्कोरिंग पैटर्न बिलो 150, 25 मैचों में 150 69, 12 मैचों में 170 89, 6 मैचों में 170 190 अब 6 मैचों में, हाईएस्ट 6 694 जो कि हुआ है सेंट लुसिया से गुयाना अमेजन वॉरियर्स का मैच था, यही टीम है जो खेलने वाली है, और 135 लोएस्ट डिफेंड है जो कि आपको देखने को मिलेगा, इसी सीजन हुआ था 135 एंटीगुआ के। अब पिच कैसा बिहेव करता है देखो, अगर बाउंड्री आपको बता दूं, स्क्वायर बाउंड्री 67 मीटर की है, स्ट्रेट बाउंड्री 75 मीटर की है, ध्यान रखिएगा दोनों साइड की बाउंड्री 67 मीटर की है, स्क्वायर बाउंड्री थोड़ी बड़ी है, स्कोर करना मुश्किल है, और मतलब एवरेज बाउंड्री है, उतनी बड़ी भी बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री तो 70 मीटर की होती है, स्ट्रेट बाउंड्री 80 मीटर की होती है, तब टफ होता है स्कोर करना। इस पिच पे उतना टफ नहीं है बाउंड्री के हिसाब से स्कोर करना, बैट्समैन चाहे तो स्कोर, लेकिन पिच पे डिपेंड करता है, पिच कैसा बिहेव करता है देखो। थोड़ा 4 मैच बाद लास्ट मैच आपको देखने को मिला, इनकाउंटर भी है 219 172 यहाँ पे इनकाउंटर हुआ है, बैटिंग वाली पिच थोड़ा बनाया गया है, और इस मैच के लिए भी वही पिच यूज होने वाला है बैक टू बैक, और गुयाना में सारे क्वालिफायर मैच भी है, फाइनल मैच भी है, कंटिन्यू 6 मैच खेले जाएंगे। अभी तो पिच बैटिंग वाली पिच के हिसाब से बनाया गया है, और ध्यान रखिएगा एक्सपेक्टेड स्कोर जो कि मैं देख रहा हूँ 170 के प्लस माइनस 8 रन लेके चलिए, यही रन बनने वाला है, 180 प्लस अगर रन बनते हैं, 185 प्लस रन बनते हैं, डिपेंडेबल स्कोर हो जाएंगे, बिलो 170 कहीं जाने वाला नहीं है, दोनों टीमें स्ट्रांग है, बैटिंग लाइनअप में चेस कर लेगी, दोनों टीम का एक ही है स्ट्रॉन्ग पॉइंट के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरी तरफ पिच पे अगर लास्ट मैच देखोगे या कोई भी मैच देखोगे, इस पिच पे स्पिनर का दबदबा रहा है, देख सकते हो गुदकेश मोटी, मोइन अली और इमरान ताहिर मिल के 7 विकेट लिया था, 7 विकेट लिया था, बहुत बड़ी बात, एक ही पेस को मिली थी। उधर से भी अगर लास्ट मैच देखोगे जो कि मैच हुआ था बारबाडोस रॉयल वाला, स्पिनर ने ही, नूर अहमद ने ही विकेट लिया था, इसके अलावा ज़्यादातर पेस अटैक को कम मदद मिल रही है।
हाँ नए बॉल के साथ पेस अटैक यहाँ पे बिगड़ लेते हुए नजर आएंगे। ध्यान में रखिएगा नए बॉल के साथ थोड़ा बॉल स्विंग करेगा और डे टाइम मैच है, टाइमिंग ध्यान में रखिए आज 7:30 पे मैच है, इसका मतलब वहां का नाइट टाइम, यहाँ का नाइट टाइम, यहाँ का वहां का डे टाइम, तो डे टाइम मैच है तो फर्स्ट बैट को एडवांटेज मिलने वाला है। ड्यू रहेगा नहीं, ड्यू आती थी रात में लेकिन डे टाइम मैच में ड्यू रहेगा नहीं, जिसे फर्स्ट बैट को एडवांटेज मिलेगा, फर्स्ट बैट यहाँ पे हॉट फेवरेट बन सकती है। अब हेड टू हेड बात करेंगे, टोटल मैच 22 में से 14 गुआना वर्जन वॉरियर सन लुसिया किंग्स की बात करेंगे, 8 जीती है और 14 यहाँ पे गुआना वर्जन वॉरियर ने जीता है, 3 फर्स्ट बैट पे 11 सेकंड बैट पे। गुआना वर्जन वॉरियर का दबदबा रहा है, होम पिच पे भी दबदबा रहा है, लास्ट 5 मैचों में 4 मैच देख सकते हो गुआना ने जीता है। इस सीजन भी हुआ था 100 पे ऑल आउट कर दी थी, यहाँ पे सेंट लुसिया में होता है डेडन स्वामी स्टेडियम में, 100 पे जहाँ गुआना वर्जन वॉरियर आसानी से चेस किया 167, एक ही मैच सेंट लुसिया की चेस करके बाकी हाई स्कोरिंग मैच 194, 161, 151 सारे गुआना ने जीते हैं, गुआना का दबदबा रहा है। अब रिसेंट मैच देख सकते हो इस पिच पे जो कि गुआना वर्सेज आपको जितने भी मैच हुए गुआना वर्सेज सेंट लुसिया की 9 में से 7 मैच गुआना ने एक तरफा जीता है, 5 चेस करके 2 डिफेंड करके और 2 सेंट लुसिया किंग ने दोनों मैच चेस करके, यानी डिफेंड पे टीम अभी तक एक भी मैच नहीं जीती है। मैच देख सकते हो स्कोर 167, 194, 155, 155 डिफेंड हुआ है गुआना ने, 141। गुआना डिफेंडिंग वाली टीम है, बॉलिंग अटैक जब भी अपने डिफेंड पे आई है 135, 137 रन देख सकते हो डिफेंड करके आ रही है, डिफेंडिंग वाली टीम है गुआना, हो सकता है 175 भी डिफेंड करा सकती है, ऐसी बड़ी टीम है बॉलिंग के लिए जानी जाती है, शुरू से ही बॉलिंग के लिए जानी जाती है। अब रिसेंट फॉर्म तो आपको बताया दिया, बैक टू बैक 3, बैक टू बैक 5 जीत के सेंट लुसिया किंग, और दोनों टीम अभी पहले और दूसरे पोजीशन की टीम है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट टेबल पे है। टीम न्यूज बात करेंगे, गुआना की बात करेंगे, इमरान ताहिर सेंट लुसिया किंग फाफडू प्लेसिस स्क्वाड को लीड करेंगे जहां सेंट लुसिया की तरफ से। अब देखो मैच यहां पे ये तो फिक्स है, सेंट लुसिया किंग्स क्वालिफाई कर चुकी है, दोनों टीम क्वालिफाई कर चुकी है, गुआना का 2 मैच बचे हैं, सेंट लुसिया का लास्ट मैच बचने है। अगर गुआना ये मैच जीतती है तो सेंट लुसिया को टक्कर दे, उधर टिबागो नाइट राइडर भी है और टिबागो नाइट राइडर भी सेम पॉइंट के साथ जा सकता है, गुआना भी सेम पॉइंट के साथ जाता है, सेंट लुसिया हारती है तो सेम पॉइंट, तो 3 टीम हो जाएगी सेम पॉइंट के साथ। तो क्वालिफायर वन खेलने के लिए 2 टीम चाहिए, क्योंकि 2 टीम को बहुत इंपॉर्टेंट होगा, दोनों टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि एक चांस एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर टीम हारती है तो। टीम जीतना चाहेगी मैच में, प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस देखने को मिले करेगी नहीं, देखने को चाहेगी नहीं, और सेम प्लेइंग 11 के स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 के साथ दोनों टीम उतरेगी। गुआना की बात करेंगे, रहमुल्ला गुरबाज आ गए हैं, आजम खान, साई होप, सिमरा हटमायर, मोइन अली, किमो पॉल, रोमनियो सपा, डोनी पोर्टेरेस, गुरदकेश मोटी, जूनियर सिंक्लेयर, इमरान ताहिर। सेंट लुसिया के दूसरी तरफ बात करेंगे, फाफडू प्लेसिस, जॉनसन चाल, अकीम अगस्टी भी अच्छा फॉर्म में है, रोस्टन चेस, टीम साइबर, डेविड बिचाओ, और यहाँ पे ऐसे पिचों पे रोस्टन चेस का बहुत दबदबा रहा है, शुरू से ही अच्छा परफॉर्म किया है बॉलिंग और बैटिंग से भी। एलन जॉन्स, सदर डिस्कार्टे, अलजारी जोसेफ, खारी पेरी और नूर अहमद टीम में रहेंगे। तो टीम दोनों टीम को बैलेंस है, पहले ही बताया बॉलिंग से जीत रही है, दूसरी टीम एक बैटिंग से भी जीत रही है, बैटिंग भी अच्छी कर रही है। गुआना वर्जन वो संतोष टिबागो से खेली थी, उसमें भी हाई स्कोरिंग मैच दी थी और लास्ट मैच ये भी हाई स्कोरिंग मैच दे के ही आ रही है। तगड़ी बैटिंग है, टॉप ऑर्डर के बैट्समैन, मिडिल ऑर्डर के यहाँ पे थोड़े स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में नहीं है, टॉप ऑर्डर के बैट्समैन परफॉर्म करते हैं, मिडिल ऑर्डर की जरूरत नहीं है। सेंट लुसिया किंग थोड़ा टॉप ऑर्डर के कभी कभी खराब प्रदर्शन कर देते हैं, लेकिन जब भी ये प्रदर्शन करते हैं स्कोर अच्छा जाता है, 180-90 वाला स्कोर जाता है। ध्यान रखिएगा रोस्टन चेस, टीम साइबर नीचे बहुत अच्छी, गुआना वर्जन वॉरियर्स के कंपटीशन में सेंट लुसिया के पास स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है, बॉलिंग भी अच्छी है, तो मैच मुकाबला बहुत तगड़ा होने वाला है। आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे, हमसे कॉन्टैक्ट कर लेना, इस मैच के लिए परफेक्ट आपको एंट्री दिया जाएगा। और हर मैच में आपको बताया हूँ लेकिन फिर भी आपको बता दे रहा हूँ, कलरफुल मैच होगा, अल्टा पल्टी वाला रेट बहुत मिलेगा मैच में, कमा के उठोगे, कोई भी टीम पकड़ के चलिएगा। हालांकि डे टाइम मैच है, फर्स्ट बैट को ज़्यादा प्रेफर कीजिएगा अगर स्कोर 175-170 अगर ऊपर जाता है तो। जॉनसन चार्ल्स, टीम सैफर्ट, साई होप, फाफडू प्लेसिस, सिमरा हटमायर, डीम 11 पिक के लिए डोनी पोर्टेरेस, डेविड विजा, मोइन अली, रोस्टन चेस, गुरदकेश मोटी, नूर अहमद। कैप्टन बना रहा हूँ, मोइन अली परफॉर्म कर रहा है और बॉलिंग कर रहा है, बैटिंग कर रहा है, और रोस्टन चेस को वाइस कैप्टन। बहुत तगड़ा मुकाबला होने वाला है, बहुत कॉम्पिटेटिव मैच होने वाला है, ध्यान में रखिएगा। कुछ चेंजेज होगा डीम 11 टीम के लिए, साई होप को भी कैप्टन बना सकते हो, सिमरा हटमायर को भी वाइस कैप्टन बना, फाफडू प्लेसिस इस मैच के लिए ड्रॉप कर लेना और कैप्टन वाइस कैप्टन टीम में रखना, ड्रॉप करना कैप्टन वाइस कैप्टन। ये वाला व्हाट्सएप टेलीग्राम मस्ट ज्वाइन करना, फैंटेसी गुरु नाम से टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे टीम में कुछ चेंजेस अपडेट होंगे, ज्वाइन करो
अपडेट मैं करा के दूंगा। अब बात करेंगे सेशन कैसे होने वाला है। सेशन देखो यहाँ पे और 6 ओवर तक ठीक ठाक जाएगा, बैटिंग फ्रेंडली पिच बनेगा, उसके बाद पिच स्लो होते जाएगा, उस हिसाब से करिएगा। और मैक्सिमम आपको सिर्फ लंबी बता रहा हूँ, 170 बिलो जो भी टीम की लंबी मिले यस करके चलिएगा, लगेगा ही लगेगा 170 के आसपास। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, मोर अपडेट के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे दे रहा हूँ, कमाना चाहते हो तो कमाओ जाके, फेक और फर्जी से बच के रहो, मार्केट में बहुत फर्जी है, आपको नुकसान करा देंगे। श्योर शॉट के साथ आपको एंट्री दी जाती है, काम जानते हो, जो हमसे जुड़े हैं आप भी जुड़ जाओ। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट में जरूर बताओ कौन सी टीम जीतने वाली है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।